क्या गिवन है इसमें कि मान लो ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, जो कैपेसिटर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि हमने ये पहले भी डिस्कस किया था एनर्जी का एक्सप्रेशन, कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। और हमने किया था सेल्फ एनर्जी के अंदर एनर्जी डेंसिटी की डिस्कशन भी उस टाइम की थी। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड है प्लेट ऑफ कैपेसिटर में, ये एक्सप्रेशन है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के लिए बहुत आता है ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो इसके अंदर क्या गिवन है कि जैसे सपोज करो ये प्लस चार्ज और ये माइनस है, इमेजिन करो ये माइनस चार्ज प्लस के साथ चिपकी हुई प्लेट है, अट्रैक्टेड है, आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है, फिक्स कर लो, इसको आपको खींचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव प्लेट इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव प्लेट, तो आपको खींचना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव को खींच रही है, और आपको वर्क डन करना पड़ेगा ताकि ये डी डिस्टेंस अपार्ट हो जाए। तो इमेजिन करो कि आपने इनको डी डिस्टेंस अपार्ट कर दिया, तो आपने वर्क डन किया, क्यों? क्योंकि ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है और आपको अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये दूर आ जाए। और आपकी फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, हमने ऊपर डिस्कस किया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए, ये फोर्स लगती है। तो इतनी फोर्स मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी ताकि प्लेट्स डी डिस्टेंस अपार्ट हो जाएं। तो इस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपने कितनी फोर्स लगाई इसको खींचने के लिए, इतनी फोर्स लगाई इनटू डी डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्क डन। क्या स्टेप क्लियर है? तो ये वर्क डन करना पड़ेगा, और ये जो वर्क डन करोगे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चाहते हैं प्लेट चिपक जाए, और आप वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हो, वो जो वर्क डन करोगे उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है यहां तक? तो इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये रहा। इसके अंदर डी नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं, सी, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, तो ये आपके पास क्या आ गई, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो एनर्जी स्टोर्ड यू का फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक, नेक्स्ट है, इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, वैसे कि सफिशिएंट है, यहाँ तक कर दोगे तो सही है, पर दूसरा मेथड ये बोलता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्जेस पोटेंशियल डिफरेंस, और क्योंकि आप जब कैपेसिटर में चार्ज भरते हो, चार्ज उसमें स्टोर होता है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पर कैपेसिटर पर डी क्यू चार्ज है और वर्क डन डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू वी डी क्यू, और वी क्या होता है, क्यू बाई सी, वी की जगह पुट करते हैं क्यू बाई सी, और चार्ज कितना आपने इसमें इसमें स्टोर करवाना है क्यू, तो टोटल वर्क डन इज जीरो से लेके क्यू, वन बाई सी बाहर आ गया, क्यू की इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई टू, तो आंसर सेम आएगा। आप जिससे मर्जी कर लो, चाहे ऊपर वाले मेथड से चाहे नीचे वाले मेथड से, आंसर सेम। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जिससे मर्जी कर लोगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर न्यूमेरिकल में काम आएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है। अब Q क्या होता है, CV होता है, V क्या और U Q क्या होता है, CV होता है, Q की जगह CV पुट करेंगे, C स्क्वायर V स्क्वायर, C से C क्या हो गया, कैंसल, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ CV स्क्वायर। क्लियर यहां तक? तो ये एनर्जी का फॉर्मूला, तो एनर्जी U का पहला फॉर्मूला हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये भी लगा सकते हो, ये वैल्यू Q और C नहीं गिवन तो ये लगा सकते हो हाफ CV स्क्वायर जिसमें C और V गिवन है, अगर ये नहीं लगाना तो एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू क्या होता है सी वी, सी क्या होता है क्यू बाई वी, सी की जगह क्यू बाई वी, क्यू से क्यू कैंसल, तो आंसर आ गया हाफ क्यू इन टू वी। तो तीन फॉर्मूले हो गए एनर्जी के, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, दूसरा क्या हो गया इसमें हाफ क्यू वी, और तीसरा क्या होगा इसमें हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं जब हमने क्या निकालनी है, एनर्जी। कोई डाउट इसमें? एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, मुझे लगता है कि सुनी हुई है क्लास में एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी किस लेक्चर में, किस टॉपिक में किया था? सेल्फ एनर्जी।